हेलो गाइज वेलकम टू माई अनदर वीडियो तो मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ जैसा की मैंने पिछले वीडियो में बताया था की मैं एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ ऑनर्स रिव्यू के ऊपर जिसमें हम बात करेंगे की गाड़ी का जो मेरा भी एक्सपीरियंस है छः महीने का जो मैंने अभी साढ़े चार हज़ार किलोमीटर चला चुका है तो इसका मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है ये गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रहा है और पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था जब मैं बाइक परचेस किया था तो उसमें मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए थे उसमें मेरे को बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी हाइट कितनी है आपका बाइक का माइलेज कितना दे रहा है फर्स्ट सर्विसिंग का कॉस्ट क्या है गाड़ी आप आपने कितना डाउन पेमेंट पे किया था आपका ई कितना आ रहा है तो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझको मिले थे तो उस सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और प्लस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस बाइक के ऊपर कैसा रहा है उस चीज़ के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे तो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको अगर आप बाइक परचेज हो तो आपको काम दे सकते हैं तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूं जो भी मेरे को कमेंट में क्वेश्चन किया गया था तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि बाइक का माइलेज कितना है तो मैं सच बताऊं तो मैंने अभी तक बाइक का माइलेज uh, टेस्ट किया नहीं है मैं इसमें हज़ार ग्यारह सौ डला करके टंकी फुल करता हूं टंकी फुल करने के बाद ढाई सौ तीन सौ किलोमीटर के आसपास जब चल जाती है गाड़ी थोड़ा मोड़ा तेल बचता है तो मैं फिर से टंकी को रिफ़िल कर देता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्वेंटी टू थर्टी के आसपास का मेरा गाड़ी माइलेज दे रहा है सेकेंड क्वेश्चन ये आया था कि मेरी हाइट कितनी है मेरी हाइट है फाइव और फाइव वेट के हिसाब से मुझे बाइक चलाने में मेरे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होता है टिपटो रहता है थोड़ा लेकिन गाड़ी में हैंडल कर लेता हूँ मेरे को कोई भी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि आपने कितना डाउन डाउन पेमेंट किया था तो देखो यार डाउन पेमेंट वो आपके ऊपर होता है आप कौन से बैंक में कहाँ से फाइनेंस करा रहे हो आप कैश ले रहे हो कि आपको मतलब कौन सा स्कीम पसंद आ रहा है वन ईयर का है कि थ्री ईयर का है तो आप अपने स्कीम के हिसाब से बैंक वाले आपको बता देंगे तो मैं इसमें आपको कुछ बता नहीं पाऊँगा कितना क्या है और मुझे पर्सनली पूछा जाए तो मैं अपना आधा पेमेंट दे आधा फिफ्टी परसेंट मैंने डाउन पेमेंट दिया था बाकी फ़िफ्टी परसेंट मेरा ई एम आई था जो मैंने लगभग आसपास अभी क्लियर होने वाला है और दूसरी बात कर लेते हैं कि गाड़ी ओवरऑल अभी तो जो मैंने चलाया है और ऑफ़ रोडिंग में कभी भी मुझे गाड़ी कभी निराश नहीं की है बहुत ही बेटर इसका परफॉर्मेंस है ऑफ़ रोडिंग में खास करके जितने भी बम्पर्स या कोई भी बड़ा अगर पैच आता है तो ये उसके ऊपर से इजीली पार हो जाता है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि मैं कोई पैचेस के ऊपर से गया हूँ तो ऑफ रोडिंग के मामले में ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी तो जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वही बता रहा हूँ ये कोई कंपनी का बोला हुआ कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है मैं मैं खुद ये बाइक का ऑनर हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ इसमें है जो मेरे को पसंद नहीं आई थी उन चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे पहले हम बात कर लेते हैं और क्या क्या अच्छा है बाकी मैं जैसे कि माइलेज का बात हो रहा था तो 25 से 30 जिस हिसाब से 400 सीसी का बाइक है इंडियन सेगमेंट में अगर 30 का भी माइलेज अगर हमको दे रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मेरे लिए ठीक ठाक ही है अच्छा ही है एवरेज इन ऑल और कहीं भी मैं अगर हाईवे में कहीं भी टूरिंग पे जाता हूँ तो मुझे लगता है पच्चीस तीस काफ़ी होता है इसके हिसाब से और अगर माइलेज के ऊपर जाएंगे यार फिर आपको इस टाइप का बाइक आपको देखना ही नहीं है फिर आपको डेढ़ या वन एटी के इंजन में आपको जाना पड़ेगा बट 400 हंड्रेड के हिसाब से जो भी माइलेज ये दे रहा है बहुत ही ज़बरदस्त माइलेज दे रहा है दूसरी बात कर लेते हैं इसका बहुत ही अच्छा ये ज़्यादा इंजन इसका हीट नहीं होता है अभी गर्मी का टाइम है मैं अभी हाल फिलहाल बहुत सारा जगह पर जाके आया हूँ मुझे एक बार भी इसका हीटिंग इशू इतना कुछ खास दिखा नहीं देखो यार गाड़ी है इंजन है तो ऑब्वियसली हीट होगा और हीट होने के वजह से थोड़ा सा पैरों में फील होता है बट मुझे ऐसा लगता है कि वो एक मतलब कॉमन सा चीज़ है कि गाड़ी हीट हो रहा है तो उतना हो रहा है लेकिन आप बोलोगे कि बिल्कुल भी आपको हीटिंग चाहिए ही नहीं मतलब पैरों पे फील ही नहीं आना है तो भाई फिर आपको बहुत अपर रेंज में जाना पड़ेगा और उसमें भी जाने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं हीटिंग वाला चैप्टर आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा तो फिलहाल हीटिंग वाला इशू छोड़ देते हैं मुझे उसमें कोई भी कमी नहीं है बाकी टायर टायर का बात कर लेते हैं टायर इसमें बहुत ही अच्छा सेक्शन का दिया हुआ है और टायर के वजह से मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि इसका जो बढ़िया जो सॉकर है वो दोनों मिल कर के बहुत बढ़िया काम करता है जो पैचेस में मुझे कुछ पता नहीं चलता क्योंकि इसका टायर ही एक्चुअली में मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा दमदार है खास करके पीछे का टायर और इसमें दो किस्म के टायर मिलते हैं एक अपोलो का टायर आता है एक एम का आता है मुझे यहाँ पे एम आर जयपर का ही टायर दिया गया है आप उसमें वहाँ पे चूज़ कर सकते हो जब आप बाइक लोगे आपको वहाँ पे आप बता सकते हो कि मेरे को अपोलो टायर वाला ही बाइक चाहिए तो वो लोग आपको बोला भी दे देंगे तो ये भी आपको उसमें मिल जाती है बाकी दूसरा बात कर लेते हैं कि आपका जो फर्स्ट सर्विस में कितना खर्चा आया था तो मैं बता देता हूँ फ़र्स्ट सर्विसिंग जब मैंने करवाया था इसमें मेरा पंद्रह या दो के आसपास का मेरा खर्चा आया था जो कि मैं वन किलोमीटर होने के बाद में करवाया था और सेकेंड सर्विस जो है मेरा वो सिक्सटीन किलोमीटर के बाद है तो या तो वन ईयर के बाद करा सकते हैं आप या तो सिक्सटी थाउजेंड चलाने के बाद करा सकते हैं तो फिलहाल मेरा अभी साढ़े चार हज़ार के आसपास चला है तो अभी बहुत टाइम है अराउंड सिक्स टू सेवन मंथ्स बचा हुआ है मैं आराम से इसको सर्विसिंग करा सकता हूं लेकिन हालांकि अभी बीच में एक मानसून का फ्री सर्विस चल रहा था तो मैं भुवनेश्वर जाके वो करवाया था और मेरा ऑलमोस्ट ग्यारह चीज़ों के बारे में उसमें दिया हुआ था जैसे चेन क्लीनिंग से लेकर के गाड़ी का आपका जो की मोबिलाइज़र होता है बहुत सारी चीज़ों को बैटरी चेकअप हो गया हेल्थ चेकअप हो गया हर चीज़ों के बारे में वो लोग लो लो चेकअप किए और एक माइनर सा ढाई सौ रुपये का सिर्फ वो लोग एक चार्ज हमसे लिए हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत कम है और बहुत ही अच्छा वो क्लीन व्लिन करके सर्विस करके दिए मुझे उसमें कोई भी कंप्लेन नहीं है सर्विसिंग मामले में वो बहुत ही अच्छा कोऑपरेट करते हैं अब आप कौन से स्टेट में रहते हो आपका सर्विसिंग सेंटर वहाँ पे कैसा है मुझे नहीं पता लेकिन मैं उड़ीसा में रहता हूँ जो भुवनेश्वर है पूरे उड़ीसा में एक ही अपना यहाँ पे ट्राइम का शोरूम और सर्विस सेंटर है जो कि बहुत ही बढ़िया सर्विस वहाँ पर मुझे मिल जाती है अब बात कर लेते हैं कि गाड़ी को अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जाते हो तो ये कैसा परफॉर्म करती है देखिए मैं गाड़ी इसलिए लिया था क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे कैसा बाइक चाहिए था जो थोड़ा ऑफ वाला ही हो हालांकि मैं स्पीड लेने वाला था जब ये गाड़ी लॉन्च नहीं हुई थी जब मुझे इस बाइक के बारे में बताया गया शोरूम वाले ने बताया कि हमारा एक सेगमेंट ऐसा भी आ रहा है अगर आप टूरिंग पसंद करते हो घूमना फिरना पसंद करते हो तो आप उस बाइक पे जा सकते हो तब जा कर के मेरी नज़र इस बाइक पे पड़ी जब मैं इसका रिव्यू चेक किया जब मैंने कंपनी से सारे इसके वीडियोज़ वगैरह क्या क्या इसमें क्या क्या आने वाला है सब जब मैं जब जाना तो मुझे लगा कि नहीं ये गाड़ी एक्चुअली में मेरे लायक है मुझे जैसा चाहिए था ये वैसी ही बाइक है और मैं ले के इस बाइक को बहुत खुश हूँ मुझे कहीं पर भी इसमें कोई भी कंप्लेन नहीं आता है सिर्फ एक ही कंप्लेन है जो मैं आपको आगे वीडियो पे बताने वाला हूँ जो मेरे को तो लगता है कि मतलब वो एक्चुअली में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली में इसका तो जब ये स्क्रैमलर जब मैं मैंने बुक किया था तो मैं मुझे बहुत डाउट लग रहा था कि कैसा गाड़ी है नहीं है हालांकि एक ट्राइम का एक भरोसा होता है इतना बड़ा ब्रांड है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रस्ट बन रहा था बट फिर भी वो लोग ने कभी भी 600-700 सीसी के नीचे कभी बाइक बनाई नहीं है ये एक्चुअली में इनका पहला सेगमेंट है इंडिया में जब ये लोग लॉन्च किए हैं बजाज वाले के साथ मिल के, और ये बहुत ही कमाल का बाइक ये लोग बनाए हैं लेकिन मैं तो बहुत डर रहा था लेने में क्योंकि करीब इसका तीन साढ़े लाख रुपये बाइक का दाम है कि लेने के बाद फंस जाऊँ कि मुझे फिर अच्छा ना लगे ये लगे बट वैसा कुछ भी नहीं हुआ है आप अगर ये बाइक परचेज करना चाहते हो तो हंड्रेड परसेंट आप जाओ टेस्ट ड्राइव करो आपको पता चलेगा इसका पावर क्या है कि थर्टी नाइन पॉइंट फाइव बी एच पी का इसमें पावर दिया गया है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़बरदस्त पावर इसमें है और थर्टी एट पॉइंट फाइव न्यूटन मीटर का टॉर्क भी इसमें दिया हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं पर भी निराश करती है मुझे और मेरे हिसाब से ये बेस्ट मशीन है अगर आप लेना चाहो टूरिंग के लिए क्योंकि तो मैं एक्चुअली में मेरा लेने का इसका रीज़न यही था कि मैं लद्दाख जाने का प्लानिंग कर रहा हूँ और भी बहुत सारे जगह है मेरे को तो घूमना है क्योंकि मेरा भी यूट्यूब चैनल चालू हुआ है मैं धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों को अभी परचेज़ कर रहा हूँ एक अपना गैजेट सेटअप कर रहा हूँ मैंने बाइक भी उसी के लिए ली है अभी मेरा मोटो ब्लॉगिंग भी चालू होने वाला है मैं भी जितने भी टूरिंग पे जाऊंगा सब में मेरे को अभी ग्रो गोप्रो भी मैंने परचेज किया है तो धीरे धीरे मैं अभी इस चीज़ों में घुस रहा हूँ और मेरे को एक्चुअली में टूरिंग ट्रैवलिंग मेरे को बहुत पसंद है और ख़ास करके सोलो राइडिंग मैं बहुत पसंद करता हूँ तो अगर आपको इस तरीके का वीडियो पसंद है तो आप मेरे चैनल को हंड्रेड आप सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा आपको और बाकी अगर आप इस बाइक को लेने का मन है आपको बिल्कुल आप जाए बाइक ले या फिर आप पहले टेस्ट ड्राइव कर ले उसके बाद आपको पता चल जाएगा कैसी मशीन है बाकी कोई भी मन में अगर आपको डाउट है आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं मैं आपको रिप्लाई के थ्रू जरूर बता दूंगा या फिर अगर आपको कुछ ऐसा वीडियो देखना है अलग टाइप का आप चाहते हो कि मैं इसको ऑफ करके बाइक चला करके आपको वीडियो बना के दिखाऊँ ऑफ में कैसा परफॉर्म करता है तो मैं आपके लिए एक सिनेमेटिक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा ऑफ वाला जो आपको हंड्रेड पसंद आ सकता है आपको जैसा भी वीडियो चाहिए मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताएं मैं आप इस, इस बाइक को लेकर के मैं उस वीडियो को बनाने के लिए रेडी हूँ बस आप मेरे को कमेंट करिए तो ठीक है गाइस चलते हैं फिर और मिलेंगे एक नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में तो तब तक के लिए टेक केयर गुड बाय एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिला है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा थैंक यू